नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है श्रेयस और आज है 29 अक्टूबर 2022। तो आज आपको बताते हैं सॉली सैनमार 5015 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस 7.5 फीट के बड़े रोटावेटर पे। तो हमारे पास है जाधव लेलैंड कंपनी का रोटावेटर, तो सामने चल रहा है ट्रैक्टर रोटावेटर पे। तो आज आपको दिखाते हैं इसकी परफॉर्मेंस रोटावेटर पे। और सामने ऐसे आ रहा है ट्रैक्टर, तो भैया यह हमारा खेत अभी तैयार हो रहा है चना की बुआई के लिए। इससे पहले इसमें सोयाबीन की फसल थी और वो अभी सोयाबीन की फसल कट चुकी है। तो अभी ये जो ये खेत हमारा चना की बुआई के लिए तैयार किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे तरफ कितनी पक्की मिट्टी होती है और आपको सॉली सैनमार ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बताता हूँ बड़े रोटावेटर पे 7.5 फीट के। तो भैया हमारे तरफ बहुत ही पक्की और हार्ड मिट्टी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी रोटावेटर के पीछे, अभी सामने से आ रहा है ट्रैक्टर। और इस साल बारिश ज़्यादा होने की वजह से खेत भी अभी बहुत से गीले हैं, तो ट्रैक्टर को थोड़ा मुश्किल जा रहा है रोटावेटर करने में, क्योंकि खेत नीचे बहुत गीले हैं और मिट्टी हमारे तरफ की बहुत ही पक्की और हार्ड होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, मैं आपको रोटावेटर के पीछे से दिखाता हूँ। और घास भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से घास के हिसाब से लो सेकंड और थर्ड गियर में घास को देखकर ट्रैक्टर को चलाना पड़ रहा है। तो ट्रैक्टर हमारा 1600 RPM पे चल रहा है और घास के हिसाब से गियर को चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे तरफ पूरी काली मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ही हार्ड होती है और बहुत ही पक्की मिट्टी होती है हमारे तरफ। तो ट्रैक्टर को अभी घास के हिसाब से चलाया जा रहा है दो सेकंड और थर्ड गियर में, क्योंकि जहाँ ज़्यादा घास होती है वहाँ पे थर्ड में नहीं चल पाता है, वहाँ पे सेकंड गियर को चेंज करना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ रोटावेटर नहीं हुआ है वहाँ पे आपको घास दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जहाँ पे रोटावेटर नहीं हुआ है वहाँ पे कितनी ज़्यादा घास है। तो घास के हिसाब से और लोड के हिसाब से गियर को चेंज करना पड़ रहा है सेकंड और थर्ड में, क्योंकि थर्ड में ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो फिर घास अच्छे से बारीक नहीं हो पाती है। तो जहाँ पे ज़्यादा घास है वहाँ पे सेकंड गियर को शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए भैया कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घास है आप देख सकते हैं। तो ऐसे घास में लो थर्ड गियर में नहीं चल पाता है, क्योंकि चल भी जाता है लेकिन वह बारीक नहीं कर पाता है फिर, तो इसलिए ऐसी जगह पर लो सेकंड गियर में चलाना पड़ता है। वैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे जिस एरिया में रोटावेटर हो चुका है वहाँ पे पूरा क्लीन हो चुका है, कुछ भी नहीं, मतलब घास पूरा जड़ से उखड़ गया है जहाँ पे रोटावेटर हुआ है।
और अभी जिसमें नहीं हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं, जिस जगह पर नहीं हुआ है उस जगह पर। तो देखो भैया अभी घास पूरा जड़ से अलग हो गया है, पूरा चकाचक। तो भैया सॉली सैनमार 50-15 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस बड़े 7.5 फीट के रोडार्डर पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की है। तो भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसने भी यहाँ तक देख लिए। आपको ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे मैं देता रहूँगा। बाकी आप देख सकते हैं जहाँ पे रोडार्डर हुआ है वहाँ पे घास पूरी जड़ से उखड़ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे घास पूरी जड़ से उखड़ चुकी है। तो भैया अभी फिलहाल में हमारे रोटावेटर में लगा है 17-18 का गियर, और अभी आप देख सकते हैं 17-18 के गियर में कितना शानदार काम कर रहा है रोटावेटर। और डेक भी अच्छी खासी रखी गई है ताकि घास पूरा जड़ से उखड़ सके। रोटावेटर को अच्छी खासे डेप्थ में रख रहे हैं घास पूरी उखाड़ने के लिए। तो अभी हम चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर।